एस्पिरेंट्स, एनसीईआरटी की इस लेक्चर सीरीज में आज हम एक्सरसाइज वाला पार्ट करेंगे जो कि क्लास सिक्स ज्योग्राफी का लास्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट। पहली बात तो जो मानसून विंड होती है वही क्या करती है, इंडिया में लेकर आती है रेनफॉल। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि जो इंडिया का जो सबसे ज़्यादा जो जल की जो आपूर्ति होती है उस वो आपूर्ति करने का जो काम है वो मानसून करता है। मानसून सीजन में ही सबसे ज़्यादा हमें जल मिलता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है। सेकंड, नेम द डिफरेंट सीजन इन इंडिया, तो हमने उसको देख लिया था, विंटर हो गया, समर हो गया, रेनी हो गया, ऑटमन हो गया। थर्ड वन, व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन, तो वही नेचुरल वेजिटेशन जैसे आपके प्लांट्स हो गए, श्रब्स हो गए, कैनोपी इत्यादि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके वेजिटेशन हैं जो पाए जाते हैं उनको ही नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, जो आप ऑटोमेटिक क्या करते उग जाते हैं। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स, कहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो हमने देखा था मानसिंराम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लिपर्ड्स आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं वाइल्ड गोट्स और स्नो लिपर्ड, ये पाए जाते हैं हिमालयन रीजन में, इसको भी हमने देख लिया था। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लैडन विंड्स ब्लो फ्रॉम, जब साउथ वेस्ट मानसून का टाइम चलता है तो जो मॉइस्चर लिया हुआ जो विंड होता है वो कहाँ से बहता है, तो हम कह सकते हैं कि वो सी टू लैंड बहता है। ओके, सी से मॉइस्चर इकट लेता है और फिर लैंड की तरफ बहता है। फिल इन द ब्लैंक में, हॉट एंड ड्राई विंड नोन एज डैश ब्लो ड्यूरिंग द डे इन द समर, तो लू जो होता है हॉट एंड ड्राई होता है और ये समर में क्या करता है, ब्लो करता है, इट मीन्स समर में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ, तो ये किस सीजन के समय होता है, ये जब हमारा ऑटोमन सीजन आता है, जब मानसून रिट्रीट करता है वापस जाता है, उस समय के दौरान ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश रेनफॉल रिसीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फॉरेस्ट इज इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायन, तो गिर फॉरेस्ट जो है वो क्या है, एशियाटिक लायन का क्या है, होम है। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस रहे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास सिक्स का सारा चैप्टर, हमने सारा क्वेश्चन आंसर कवर कर लिया है। आई होप कि आपको क्लास सिक्स का सारा मटेरियल अच्छे से मिल गया होगा और इसे आप अच्छे से तैयार कर लें, और इसके माध्यम से आपको क्लास सिक्स से कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चंस, सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी, और उसमें हम एक एक करके सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। और आप इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों, बाकी लोगों को बता सकते हैं जो एनसीईआरटीज पढ़ना चाहते हैं, और उनको या फिर जो ऐसे हैं जो एकेडमिक्स में भी हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, और जो पुराने हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर वाला सेशन अलग से ऐड किया हुआ है, तो इससे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से आपकी प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। तो इस चैनल के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताएं और इसका सभी लोगों को लाभ पहुँचाएँ। ओके, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इसी बात मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।